अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय थर्ड व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं, छोटे मोटे हमने काम कराने थे, जैसे ताने नहीं सॉरी करने थे, जैसे अभी हम लोग जाएंगे एक कोट देने ड्राई क्लीन करने के लिए पैरागॉन पे, और क्या करना है, और इसका बस ट्रिप जा रहा है तो इसने निकलना है, तो अड्डे से एक दफ़ा टाइमिंग पूछनी है कि सुबह इतनी जल्दी कोई गाड़ी जाती है तो ठीक, अदरवाइज़ ये कि हमें इसके साथ जाना पड़ेगा इसे छोड़ने के लिए, एक दिन की वो जलालत भी बन जाएगी। और क्या काम करना है, फोर्थ हो गए आप, और बस छप्पड़ जाना है, एक बैग लेना है। अभी तक तो कोई और सिचुएशन नहीं, आज मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, बादलों का कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, हालांकि धूप तो है ही है ना। अभी बस हम जैसे जैसे जाते हैं आपको कनेक्टेड रखते हैं, मेरा गला शदीद दर्द कर रहा है बोल बोल के आज, और बस। तो आपने कब निकले, परसों निकले? चकवाल बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, श्योम नज़र न लगे इसे तो ना हो, क्या पता। तो यार ये मेरी ही आमरस थी, अच्छा ले लो मैं खा चुकी हूँ, बस मेरे दांतों में चिपक जाती भाई, बस अल्लाह नहीं मैं बख्श छुड़ी है सोन, ये आमरस आपके नाम, ये पकड़ लो। अच्छा तोर ले ले, आम रस नहीं है, आम मज़ा सॉरी। और आज बहुत ही खूबसूरत चकवाल लग रहा है, इतना प्यारा तो इस्लामाबाद भी नहीं हो सकता आज जितना प्यारा हमारा चकवाल है। अच्छा ये कहाँ पे हम आ गए हैं, भोन चौक पे जी, यहाँ से बिल्कुल थोड़े सी डिस्टेंस पे अब छप्पड़ बाजार है, जा रहे हैं हम। लेकिन छप्पड़ पे बहुत ज़्यादा रश था, फिर हम लोग अस्पताल रोड से गुजर रहे थे, हमें एक बैग पसंद आ गया, वो हमें मिल गया, अब हम लोग शुक्र है वो करने के बाद अब जल्दी जल्दी ऐसे जो रोड पे करने वाले काम हैं वो हम करेंगे। पता नहीं क्यों कोरोना जैसे ज़्यादा बढ़ गया है, छप्पड़ में रश भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसे हार्डली हम लोग 5 से 10 मिनट अंदर रुके होंगे, क्योंकि ऐसे मास्क में बहुत ज़्यादा सांस बंद होता है और लोगों की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है छप्पड़ के अंदर कि कोई ख़ास सिचुएशन समझ नहीं आ रही। रश पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा हुआ है, हाँ शायद मौसम अच्छा है इसलिए। दोबारा से हम भोन चौक के पास से गुजर रहे हैं, शदीद गर्मी हुई हुई है, ऐसा लगता है मुंह जलन जल गया, सॉरी जलन नहीं, और कुछ करने को खास अभी इधर है तो नहीं। भाई मैं क्या बकवास कर रही हूँ, मेरी बहनों ने मुझे कहा है कि मुझे व्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए, फिर मेरे नाक पे बात आ गई है, मैंने कहा नहीं अब मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे मैं तब अपनी मर्जी से छोड़ूंगी। ना नहीं मतलब सॉर्ट ऑफ की मेरी इज्जत पे बात आ गई है तो क्योंकि ये लोग जाती थी भाई तुम्हारे भी लोग क्यों देखेंगे, मैंने कहा यार लोग चकवाल देखेंगे, कहती हैं चकवाल लोगों ने रश जश देखा हुआ है, मैंने कहा फिर अब व्लॉगिंग तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक थोड़े सब्सक्राइबर चाहे 70 हैं 72 हैं वो ही देख के खुश होते रहें। अच्छा अभी हम नहीं मेरे ख्याल में खुला हुआ है, अभी हम अड्डे पर रुके हैं ताकि हम टाइमिंग एक दफ़ा पूछ लें, थोड़ा सा पीछे कर लें भाई, पीछे जा रहे हैं इनसे पूछते हैं, पता नहीं इन दिनों मैंने सुना है इस्लामाबाद पिंडी में तो लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन का मसला बना हुआ है, अभी इनसे डिटेल ले लेते हैं। और बस दो काम हो गए, एक बैग ले लिया हमने, एक अड्डे से टाइमिंग पूछ ली है, टाइमिंग तो खैर नहीं पता चली, नंबर उन्होंने दे दिया है कि गाड़ियाँ कम जा रही हैं, आप एक दफ़ा कॉल करके पहले पूछेंगे। अब कहाँ पर रुकना है, पैरागन के पास, बस वहाँ पर ड्राई क्लीनिंग के लिए कोट देना है, और उसके बाद मेरे ख्याल में कोई ख़ास काम करना तो नहीं, वेस्टर्न यू, ओहो वो तो पीछे थी, कितनी करेंसी आपके पास आ गई है, मोड़ ले फिर उधर ही है, हाँ बस फिर वहीं मोड़ते हैं, मैं इन दो बेवकूफ़ों के साथ आई हूँ, एक दफ़ा गाड़ी आगे जाती है एक दफ़ा गाड़ी पीछे आती है, जाना हमने अस्पताल रोड पर था, गाड़ी रोकी इन्होंने छप्पड़ के पास, फिर छप्पड़ से हमने लेना पिक करना था, मैं क्या कह
ये वैसे निसार होटल के पास हम गुजरने लगे हैं। यहाँ के समोसे और इनकी दही के साथ आप खाएं, सबसे खूबसूरत चीज़ अगर चकवाल में आना तो वो ये है। ऐसे किसी दिन मैं इस पर डिटेल व्लॉग बनाऊंगी। वो वाली साइड इतनी प्यारी नहीं आ रही थी वीडियो में, ये वाली साइड में ज़्यादा प्यारी आ रही है। हाँ जी जी, कितने इंटेलिजेंट हैं आप। तो बस अभी हम लोग दोबारा वापस जा रहे हैं, उसके बाद घर जाएंगे और घर फिर चाय पीने कहीं जाएंगे। पता नहीं व्लॉग आज का मैं एग्जैक्ट बनाऊंगी कहाँ से, अभी बस यूँ ही वीडियो बनाई जा रही हूँ। अच्छा सारा काम हो गया हमारा, पैरागन वालों ने इसे करके नहीं दिया, ड्राई क्लीनिंग, प्यास लग गई है। अगर यहाँ पे लेमन सोडा हुआ तो पिलवा दूंगी, अगर ना हुआ तो किस्मत। और इस रोड से जाए ना आगे होता है, किधर है भला, अल्लाह करेगा नहीं होगा, और अगर वो तो पिला दूंगी वरना नहीं। तो बस आज का व्लॉग फिर यहाँ पे ख़त्म करेंगे, जब तक मतलब हम लोग पहुँचते नहीं किसी खास जगह पे। हर दफ़ा व्लॉग में मैं अल्लाह हाफिज़ कहना भूल जाती हूँ। तो ये हमारा बहुत प्यारा जहाज़ इसकी मैं काफ़ी अर्से से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन पॉसिबिलिटी बनी नहीं है, तो चले व्लॉग में आज आ जाएगा। यहाँ पे हमारा रेलवे स्टेशन भी है, वैसे रेलवे स्टेशन दिखा के ही बंद करती हूँ। वैसे कॉमेडी पार्क वाली गली में एक अंकल बैठे होते हैं, वो लेमन सोडा बहुत मज़े का देते हैं और वहाँ चाट भी बहुत अच्छी होती है। हाँ अच्छा रुके, अगर हम वहाँ जाते हैं ना मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, उधर ही चलते हैं फिर, उसके बाद हम घर जाएंगे और बस, और हमारा कोई ख़ास काम नहीं है। अभी मैं रेलवे स्टेशन चेक कराती हूँ, पता नहीं क्यों आज क्या सीन है, गर्मी इतनी शदीद है और बादल इतने प्यारे हुए हैं, इतने प्यारे। अच्छा ये रेलवे स्टेशन है जो बेचारा बिल्कुल बंजर हुआ है, झलक प्यारा रहा है। और ये साथ हमारा पार्क है, ठीक है, इसके साथ क्या है पता नहीं, पीछे क्या खाने को था, ओहो नींबू, नींबू कौन खाता है। मेरा गला ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पता नहीं मैंने बातें शायद बहुत ज़्यादा की हैं जिसकी वजह से मेरा गला बिल्कुल ही बंद हो चुका है। अच्छा वी लोग अभी मैं यहाँ पे पास करती हूँ, अगर कमेटी पार्क से हमें मिला लेमन सोडा और चाट फिर तो मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, वरना फिर मैं यहाँ ही अल्लाह हाफिज़ कह दूँगी ऐसे, ठीक है। ब्लूटूथ ऑन कर दें जी। अच्छा हम लोग कमेटी पार्क वाली गली में ऐसे इंटर हो गए हैं, ये हम लोग रेलवे स्टेशन की पीछे पीछे से होते होते यहाँ पर पहुँचे हैं। अब तुम लोगों की किस्मत है यहाँ से मिलेगा तो ठीक, वरना अगर कहीं और से पियेंगे तुम लोग मुझे पिलाओगे जी, ठीक है कोई। वो सामने आ रही है अल्लाह खैर, इन अंकल के पास वैसे ख़त्म हुई होती है अक्सर चाट। तो ये कमेटी पार्क वाली गली में हम आ गए हैं और ये अंकल लगे ऐसे, अंकल हम यहाँ से खाएंगे बैठे हुए इन्हीं के पास होते हैं, इनके पास है लेमन सोडा भी, हमें यहीं से मिल जाएगा, देखते हैं ना है मेरे ख्याल में। अंकल आपके पास चाट है अभी, एक प्लेट भी नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। अच्छा लेमन सोडा अगर आप मुझे दे दें, तीन कप, तीन लेमन सोडा है बस, वो शिकंजी भी नहीं, बस शिकंजी तीन दे दें, बस शिकंजी मिली गई आखिरकार। और इनका, इन अंकल का चाट अगर आपने किसी ने खाना है तो बहुत ही यम होता है, बहुत, वो लोगों के लिए जो स्पाइसी वैसे खाते हैं, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस अभी हमारा लेमन सोडा शिकंजी बीन बन रही है और वो बनती है तो फिर इसके बाद हम घर जाएंगे। कितने अंकल, 2 बजे आए कभी तब भी ख़त्म हो जाती है, इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती है, इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती है। 23 साल हो गए तेरा बच्चा, 23 साल हो गए, बहुत मज़े की होती है शायद तब भी, मेरे को 6 ही पढ़ रहे हो, शादी शुदा हो नहीं, वाकई अच्छी होती है, वाकई हम लोग खुद भी आते हैं तो अक्सर नहीं मिलती लेकिन बहुत अच्छी होती है, ऐसा ही है। लेमन सोडा भी बन रहा है, अंकल ने क्या लिखा है ऊपर, ये जिंदगी भी अजाब है, मिटने नहीं पाती, महबूब भी नहीं मिलता और मौत भी नहीं आती। अंकल छोटे तक ना कहे दुखी, बिल्कुल साथ लाइट पार्क है।
लाइट पार्क नहीं, कमेटी पार्क है, सॉरी कमेटी पार्क है ना। जब हम यहाँ छोटे छोटे आते थे तो बहुत आते थे, अब तो खैर झूले भी ऐसे बज रुट के हैं, तो छोटे छोटे आते थे ना जब हम होते थे, अब तो नहीं ना आते। अब जेंट्स हो गया, लेडीज इधर हो गया, ऑल हैं वाकई जी, चेंज हो गए हैं। मैंने साथ वाला बिल्कुल लेडीज हो गया जी, लेडीज हो गया और जी जेंट्स हो गए। क्या खराबी है, पर क्या पता ये भी प्रॉपर दिया हुआ हो, क्योंकि इस साइड पे तो मिक्स हो गया था ना। नहीं अब इधर ज्यादातर ना टिकटॉक वाले लड़के आते हैं और कार्टून मास्टर ये वाला वैसे अच्छा लगता है, प्यारा था। अभी सामने भी कुछ लोग तस्वीरें वगैरह खैर बना रहे हैं, लेकिन बस पार्टीशन इन्होंने कर दी है। अंकल जल्दी से हमें चिकन की बीन अगर बना के दे दें तो हम लोग वापस सब चलें घर, मम्मी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। ऐसे हमने थोड़ी देर के लिए कहा था हम आ रहे हैं। टन टन टन, यहाँ पे अभी भी लोग हैं वैसे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से पता नहीं वीडियो में नज़र आ रहे हैं नहीं। थोड़ी देर तक हैं अंदर, कदर जाएँ जाएँ हड्डियाँ फिजाएँ आ रही हैं। वैसे हम जा सकते हैं, चलिए हम थोड़ा अंदर जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। अच्छा हमें जूस मिल गया है, अभी हम लोग लेडीज़ पार्क में जा रहे हैं। एक अंकल हम गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि बेटा अगर आपने जाना है तो हम लोग आपको, ये मेरा पकड़ लो ना, मुझसे चला नहीं जा रहा यार, पकड़ लो पहले बाद में फ़ोन देखना, एक मिनट। तो उन्होंने कहा है भाई हम आपको खोल देते हैं। वैसे ही कहते हैं चकवाल के बंदे अच्छे नहीं यार, इतने कोऑपरेटिव हैं। वैसे हमारे आने से पहले ही बच्चों की फौज के बंदे अच्छे होते तो दो पार्ट्स को अलग करने की नौबत आ गई। बस बस ऐसे वैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की है ना। इस इधर इस पार्क में मैं तकरीबन 10-12 सालों बाद आ रही हूँ। जी जी ठीक नहीं थे। अच्छा अच्छा, इसलिए हमने 4 बजे तक बंद करते हैं। अच्छा, 9 बजे खोल देते हैं। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर लाल ठीक नहीं थे, वो लाहौर वाला जो बना हुआ है ना मसला, हाँ हाँ, वजह से ना ये फिर पार्क ने बंद कर दिए थे किसी ने कहा। सही, उसने कहा कि 4 बजे खोल दो, 9 बजे बंद। सही सही, अच्छा चले, अच्छा बात है ना, इंतजामिया हो गया। अच्छा यहाँ पे ये पार्क है, इसमें बस ये झूले लगे हुए हैं। अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ का इंसाफ है, इतना गंदा पार्क हो गया। उस पार्क में क्या है जो मर्दों को दिया हुआ है सोना, उसमें भी उन्होंने हमें मना तो नहीं ना किया, वो कह रहे थे बेटा आपने जाना है तो आप रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जा सकते हो, हम खुद अपनी मर्जी से आए हैं ना। अच्छा बस ये पार्क है टोटल ओवरऑल, और बस अभी मैं वी लोग यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ, और जो भी है इसका हाथ बहुत थक गया, जो भी है वो इन अंकल से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करे चिकन जबीन, कैसी है, अच्छी है। तो बस अभी हम लोग वापस जाने लगे हैं, मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।